और आज आपके लिए फिर नया एक साइट सीन लेके चल रहा हूँ। सिर्फ ये दिल्ली के बिल्कुल पास में है, भटकल लेक की तरफ मैं अभी जा रहा हूँ। और देखिए मैं अपनी बाइक से मैं भटकल लेक की तरफ निकल रहा हूँ और देखता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 25 से 30 किलोमीटर दूर है और भटकल लेक की तरफ जा रहे हैं। अभी देखेंगे क्योंकि आपने जैसा आपको पता भी होगा दिल्ली NCR में काफ़ी लोग रहते हैं, बट अभी कभी ऐसा विचार होता नहीं है लोगों का यार कभी हम भटकल देखें। तो मैंने भी चलो देख के आते हैं आज इस जगह। और यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है और ये देखिए। तो फाइनली हम अभी अपनी बाइक पार्क करके और गाड़ियाँ पार्क करके हम अभी पहुँच चुके हैं भटकल लेक में फरीदाबाद का। और यहाँ पे आप क्या दिल्ली से सिर्फ ये ज़्यादा नहीं आधा घंटे का रास्ता 25 से 30 किलोमीटर दूर है। और ये देखेंगे यहाँ पे अभी ये बनाया हुआ है मयूर रेस्टोरेंट बना रखा है यहाँ पे। और आप देखेंगे इस तरफ भटकल लेक है, काफ़ी यहाँ पे पहले क्या शूटिंग वगैरह भी हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पे पानी नहीं है, पानी अभी सूख गया है। अभी क्या बारिश के टाइम में यहाँ पानी रहता है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी आती है पब्लिक। चलो आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ। कुछ ऊँट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ये देखिए पूरा एक वे है यहाँ से। उसके बाद ऊँट भी हैं यहाँ पे, घोड़े भी हैं, यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, बच्चे राइडिंग के लिए भी आते हैं। अभी इतनी गर्मी नहीं है कि जो हम यहाँ पे घूम नहीं सकते, घूम सकते हैं काफ़ी। और मेरे टीम के साथ भी आया हुआ हूँ मैं, देखिए आगे तक आपको लेके चलता हूँ और राइडिंग भी करते हैं आज। फाइनली यहाँ पहुँच के देखो अभी हम अभी कैमल राइड करने वाले हैं, जिसका पर हेड यहाँ पे 50 रुपये लेते हैं और इनके मालिक ये हैं। नाम क्या आपका भैया? है वीरू, वीरू भाई आ जाना। चलो और फाइनली अभी मैं एक कैमल राइड के लिए निकल चुका हूँ अपने पार्टनर के साथ। एक तो और बाकी और भी दूसरे पे चल रहे हैं। और देखिए अभी हमारे को 2 किलोमीटर तक ले जाएंगे पर राइड, पर हेड या 50 रुपीज़ बोला है। और हॉर्स राइडिंग के लिए 50 रुपीज़ है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा करना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चीज़ हमें करनी चाहिए, इसके एक अलग ही मज़ा होता है। अगर ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ये क्या है, ऊँटनी है, ऊँट पे तो आप सवारी ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि ऊँट कभी आपको काबू में नहीं आता। जो भी यहाँ पे दो हैं दोनों ऊँटनी है और एग्रेसिव होता ज़्यादा ही ऊँट, तो इस वजह से वो काट भी लेता है। बट अभी यहाँ पे जो मालिक से हमने पूछा, आप मालिक भैया हमारे वीरू भैया, इनसे हमने पूछा है, बताया है कि भाई हम ऊँटनी पे ही ये सवारी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पिकनिक के लिए आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं और सर्दियों में भी आ सकते हैं, गर्मी में भी आ सकते हैं, संडे वीकेंड्स में भी आप घूम सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और आगे अभी हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ की सारी चीज़ें। यहाँ पे कभी बताते हैं यहाँ पे कभी पहले पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा रहता था, बट अभी फिशिंग भी हुआ करती थी, अभी यहाँ पे पहले कभी फिल्म की शूटिंग्स भी हुआ करती थी, ऐसे बताते हैं। अब फरीदाबाद फेमस हो चुका है इंडस्ट्रियल, अपने इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री हैं, उसकी वजह से यहाँ पे लोग अभी ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी धीरे धीरे प्रोग्राम चल रहा है कि यहाँ पे अभी पानी भरा जाएगा। तो अभी हम घूमने के बाद अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे मयूर रेस्टोरेंट, अभी ये भटकल लेक में है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी सामने बोटिंग भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप क्या आने के बाद लंच भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक मंदिर है उसको भी आपको लेके चलते हैं। कोरोना टाइम अभी ख़त्म हो चुका है उसके बाद है, बट यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, बोटिंग भी कराई जाती है। तो अभी क्या कोरोना की वजह से पानी यहाँ से अभी निकाल दिया गया है। यहाँ पे बोटिंग के आप देखेंगे कि चार्जेस क्या हैं, 2 सीटर 4 सीटर यहाँ पे बोटिंग आप कर सकते हैं ईजिली यहाँ पे। और चार्ज यहाँ पर आवर का भी यहाँ लिखा हुआ है, 30 मिनट की होती है। अभी यहाँ पे बंद है, बंद किया हुआ है क्योंकि जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था। अभी पहले एक बार यहाँ पे कभी बताया जाता है कि यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी, तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग भी उपलब्ध कराई गई थी बीच में। आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेरे साइड में यहाँ पे आप एक पिकनिक स्पॉट भी आप इजीली आ सकते हैं फैमिली के साथ। देखिए काफ़ी फैमिली आई हुई है यहाँ पर। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 5 से 6 घंटे हाफ डे इजिली यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। दिल्ली NCR से आ सकते हैं फरीदाबाद में जो रहे वो भी इजली। मैं कहूँगा अगर आप कभी आप दिल्ली घूमने आओ तो यहाँ पे इजली फरीदाबाद में भटकल लेक जरूर आएँ, यहाँ पे हर एक बार एक्सपीरियंस आपको भी काफ़ी मिलेगा यहाँ पे घूमने के लिए। और अभी हम भटकल लेक घूमने के बाद अभी चल रहे हैं परशौन मंदिर, यहाँ पे पास में परशौन मंदिर है, काफ़ी फेमस है, बहुत मान्यता है यहाँ पर। और महर्षि पराशर ने यहाँ पे पहुँच चुके हैं परशौन मंदिर में। और यहाँ पे जो पराशर ऋषि थे उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, ये उनका ब्रह्म कुंड है। ये देखिए यहाँ पे लोग यहाँ पे अभी जैसे आप वहाँ देख रहे हैं कुछ भाई अभी भी नहा रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पे बताया जाता है कि अपना पाप धुलने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी, ये जो पहाड़ है ये अरावली का ही एक टुकड़ा है और अरावली पर्वत के जो यहाँ से पूरा गुड़गांव से लेकर राजस्थान में भी बसा हुआ है, अरावली पर्वतों का ये एक श्रृंखला है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ है,
यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ है और हमने बीच में देखे थे कीकर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सूखा रहता है। हम यहाँ पे जो हरियाली रहती है वो जब आप मानसून आता है उसी टाइम पे हरियाली रहती है यहाँ पर। और अभी हम आगे आपको दिखाएंगे मंदिर में, एक बार मंदिर का देखिए, वो मंदिर है आपके सामने दिखाई दे रहा मंदिर है। और यहाँ पे आप इजिली आ सकते हैं, इजिली यहाँ पर आप अपना एक दिन अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं। और चीप भी रहेगा, और क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, अपनी बाइक से आ सकते हैं, अपनी कार से आ सकते हैं। और यहाँ पे आप इतना, इतनी शांति है और इतनी ग्रीनरी। अभी गर्मी है, इसके गर्मी होने के बावजूद भी इतनी यहाँ पे इतनी ठंडक है। और देखिए यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं यहाँ पे अपना। और ये देखिए महर्षि पराशर की मूर्ति, और ये देखिए सबसे ऊपर अरावली पे इन्होंने जो मंदिर भी बनाए हुए हैं शिव जी का, और राम जी, हनुमान जी, सभी मंदिर बनाए, अच्छी अच्छा व्यू। और ये देखिए शेरावाली, और इधर के आपके राइट साइड में देखने को मिल रहा है हमारे शिव जी की मूर्ति, सबसे हाईएस्ट टॉप पे बनाई हुई अरावली में। और ये आप घूमना जरूर एक बार, दर्शन करने स्टार्ट कर। और देखिए अभी हम टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, अभी हमने कहा शाम के टाइम कुछ स्नैक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे आप अरावली के ऊपर पहाड़ियों पे बड़कल लेक से सबसे ऊपर एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ग्रे फैल्कन रेस्टोरेंट है, और मिनी मेंट बार भी है यहाँ पे। आप आसानी से अपने फ्रेंड्स या फैमिली साथ, मैंने जैसे पहले बताया। तो नेक्स्ट आपको मैं राजस्थान लेके चलूँगा, और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद हम यहाँ से कुछ अपना स्नैक्स लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अभी गर्मी भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अभी हम करते हैं। तो अगर मेरा चैनल है हुकुम एचजेआर सिंह, उसको एक बार सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना ऐसी वीडियो, और आपको अच्छी भी, और कुछ कमेंट्स डालना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और क्या ये मैं आपको लेके आया हूँ लास्ट, जो आज का है टाइम हो चुका है 6:30 बजे, हमने स्नैक्स के बाद अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हमने अभी मिनी वेंट बार है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ और बाकी फैमिली के साथ भी आप आ रहे हो काफ़ी यहाँ पे डेली। आज मैं देख रहा हूँ वीकेंड है और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। और एक चीज़ मेरे को यहाँ जो देखने को मिली है, ये जो एक पॉपुलर का प्लांट है, प्लांट किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ये फर्स्ट वीडियो में आपको किसी ने दिखाया होगा शायद, मेरे हो सकता पहले किसी ने दिखाया हो। ये जो डेट 19 नवंबर 1972 में किया था, ये देखिए सारी ये चीज़ें आपको दिखा देता हूँ किस प्लांट के लिए बोला गया है। और मेरा चैनल है, उसको एक बार आप देखिए, सब्सक्राइब आप कर सकते हो, उसको लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, और आपको कैसा लगा ये मुझे आप बता सकते हैं। और फाइनली अभी हम चलते हैं, अपने टाइम हो चुका है अभी आज का वीकेंड, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे हम देखते हैं कहाँ चलते हैं। और हमने अभी सारा यहाँ पे 6 घंटे बिताने के बाद हमने यहाँ पे पराशर मंदिर देखा, और यहाँ पे हमने ऊपर पहाड़ी अरावली पहाड़ियों के सबसे टॉप पे भी गए, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे हमने पराशर जो यहाँ पे कुंड है वो भी हमने देखा, और उसके बाद हमने बड़कल लेक के भी आपको दिखाया। आप दोपहर में यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हो, और काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ पे आगे सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, और अपने परिवार के साथ भी, और अपने दोस्तों के साथ भी। आप अपने व्हीकल कैब पर्सनल से भी आ सकते हो, डायरेक्टली कैब से भी आ सकते हो। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, एक बार सब्सक्राइब और करें, और लाइक भी जरूर करें आगे की वीडियो।